हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टॉपिक इंग्लिश चैनल। तो आज का हमारा एजेंडा है इमेजेस क्लासेस को कवर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्टार्टर टेम्पलेट ले रखा है और यहाँ पे मैंने कंटेनर को क्लास ले रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ग्रिड बना लेता हूँ। इस रो के अंदर मैं कॉलम बना लेता हूँ, कॉल एस एम 4K3 कर लेता हूँ। ओके, और हम सभी के अंदर इमेज रखने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, बीजी प्राइमरी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बीजी लाइट। ओके, सेव करते हैं। सबसे पहले रन कर लेते हैं हम इमेजेस डॉट एचटीएमएल फाइल। तो ये रही हमारी फाइल। तो ये देख सकते हो आप, हमने कुछ कंटेंट लिखा नहीं है इसलिए ये दिख नहीं रहा है। तो अभी के लिए हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं, सेव करते हैं और मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, हमारे तीनों डिव जो हैं वो आ चुके हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, देखने वाले हैं हम इमेजेस रिस्पॉन्सिव क्लासेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेम फोल्डर के अंदर Bootstrap 5 फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना रखा है और इसके अंदर हमने दो इमेजेस ले रखे हैं। ओके, तो हम इन दोनों इमेजेस को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं img टैग ले लेता हूँ, img। मैं यहाँ पे पाथ सेट कर देता हूँ /images। इमेजेस के अंदर हमारा दो इमेज है, img1 और img2, और मैं इसे भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम कर देते हैं img2। ओके, सेव करते हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ हमारे इमेजेस आ रहे हैं, बट हमारे इमेजेस जो हैं वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से इमेजेस थे। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, बट यहाँ पे जो हमारे इमेजेस हैं वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं और इनकी हाइट बहुत अधिक हो गई है। ओके, तो Bootstrap में रिस्पॉन्सिव के लिए क्लासेस हैं कुछ। पहली क्लास है img float। तो वो क्या करता है अभी देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं img float। ये क्लास क्या करता है, यहाँ पे हाइट जो होती है उसकी ऑटो होती है और मैक्सिमम विड्थ 100% रहती है। अभी मैंने सेव कर दिया। अभी देख सकते हो आप, हमारा जो इमेज है वो अब सही आ रहा है, परफेक्ट आ चुका है, क्योंकि हमने इस पर कौन सी क्लास लगाई है Bootstrap की, img float। तो ये क्लास यूज कर सकते हो आप रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, अब हमारी इमेज क्लियर आ रही है। इसके अलावा Bootstrap में एक और क्लास होती है img thumbnail। img thumbnail, इससे बॉर्डर ऐड हो जाता है। मैंने सेकंड वाले पे ऐड किया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी हमारा इमेज लोड होने में टाइम ले रहा है थोड़ा। तो ये देख सकते हो आप, किनारे किनारे हमारी वाइट कलर की बॉर्डर आ चुकी है। तो यह है img thumbnail क्लास। इस क्लास का यूज करके आप जो है कि बॉर्डर लगा सकते हो। अगर आप इमेज को सर्कल करना चाहते हो तो उसके लिए हमने पहले से क्लासेस पढ़ रखी है, राउंडेड सर्कल। सेव करते हैं और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, कुछ सर्कल हो गया है। अभी परफेक्ट सर्कल नहीं है क्योंकि हमने इस पर कोई हाइट विड्थ नहीं दे रखी है। अगर आप चाहते हो परफेक्ट सर्कल है तो आप इसकी हाइट विड्थ फिक्स कर सकते हो। सपोज हमने कर दिया हाइट 400 पिक्सल और विड्थ भी कर दिया 400, बहुत अधिक है, मैं 200 ही करता हूँ, और विड्थ भी कर दिया हमने 200। ओके, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, अभी ये हमारा परफेक्ट सर्कल आ चुका है, बट वो लेफ्ट में है। अगर आप चाहते हो इमेज ये जो हमारा डिव है इसके सेंटर में है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको करना होगा इमेज पे d block। ये हमने क्लास पढ़ी हुई है। d block क्या करता है, इसकी इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पे हमने मार्जिन की क्लासेस भी पढ़ रखी थी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ mx auto। यानी हमने दो क्लासेस अप्लाई की। d block क्या करेगा, जो हमारा ये एलिमेंट है उसको ब्लॉक लेवल बना देगा, और mx auto क्या करेगा, मार्जिन ले लेगा लेफ्ट से और राइट से ऑटो। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा इमेज सेंटर में आ चुका है।
आप चाहो तो इस पे भी img thumbnail क्लास यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ img thumbnail। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये देख सकते हो आप, इस पे भी img thumbnail क्लास लग चुकी है। इसके अलावा हमने बहुत सी क्लासेस पढ़ी हुई है अपने पिछले ट्यूटोरियल में, लाइक शैडो, शैडो का भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे शैडो देने के लिए आपको सिंपली इस पे शैडो लिख देना है। शैडो, शैडो की हमने दो तीन क्लासेस पढ़ रखी थी, शैडो SM, शैडो शैडो LG और एक था शैडो नन, जो कि शैडो को हटाने के लिए होता है। हमने यहाँ पे शैडो क्लास ऐड कर दिए। अभी देख सकते हो आप शैडो क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड हटा देता हूँ तो आपको शैडो जो है क्लियर दिखेगा। अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो अब देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको शेडो दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये थी हमारी बूटस्ट्रैप पाइप में इमेजेस क्लासेस, जिनका आप यूज़ कर सकते हो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, इमेज पे बॉर्डर ऐड करने के लिए। हमने देखा इमेज को सर्कल कैसे कर सकते हैं और उस पर बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेंटर में करनी इमेज तो कैसे कर सकते हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।